समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया हैंडलर मनीष जगन अग्रवाल नाम का व्यक्ति जो लखनऊ में रहता है और समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल को देखता है, उसके द्वारा आज मेरे ऊपर बेहद ही अभद्र, बहुत ही महिला विरोधी और जिसको कहा जाता है कि सभ्य समाज में महिलाओं के लिए उन शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता, वैशाली की नगर वधु जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनीष जगन नाम का ये व्यक्ति जो सोशल मीडिया संभालता है समाजवादी पार्टी का, ये आदतन अपराधी है। मुझसे पहले इसने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की मीडिया सेल संभालने वाली एक महिला नेत्री के ऊपर और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की एक सम्मानित पत्रकार महिला के ऊपर भी बेहद अभद्र टिप्पणी की थी। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है जिसके तहत इसको पुलिस ने एक बार गिरफ्तार भी किया था और सबको वो घटना याद होगी जब इसको गिरफ्तार करके डीजीपी ऑफिस ले जाया गया तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद पहुँचे थे इसको बचाने के लिए। और मुझे ये बात कहते हुए बेहद दुख हो रहा है कि जब आज इसने अभद्र और अश्लील टिप्पणियाँ मेरे ऊपर की तो उसमें इसने अखिलेश यादव जी को स्वयं टैग किया ट्विटर पर। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या माननीय अखिलेश यादव जी के संरक्षण में इस तरीके के बयान महिलाओं के खिलाफ दिए जा रहे हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 135 साल में पहली महिला अध्यक्ष रही हूँ, पीएचडी की हुई हूँ, मेरे खिलाफ और या फिर इस सभ्य समाज की किसी भी महिला के खिलाफ आपको आलोचना करनी है, आप आलोचना कर सकते हैं हमारी, आप नैतिक मर्यादा में रहकर, शब्दों की मर्यादा में रहकर आप किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उस मर्यादा को पार करके महिलाओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना। और अभी मैं फिर से ट्विटर देख रही थी जिस पर इसने फिर से व्यक्तिगत हमले की मुझे धमकी दी है कि मैं व्यक्तिगत रूप से अब आपके ऊपर हमला करूँगा और आपको देख लूँगा। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, डीजीपी यूपी पुलिस से ये कहना चाहती हूँ कि इस व्यक्ति के ऊपर न सिर्फ तत्काल इसकी FIR दर्ज की जाए, इसको कार्रवाई किया जाए, क्योंकि पिछली बार भी जब इसने महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की तो ये छूटकर वापस आ गया और उसका नतीजा आज ये हुआ कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर बन गया है। ये खुलेआम सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए अभद्र भाषा लिख रहा है जो कि कतई बर्दाश्त नहीं है। और इस क्रम में मैंने अभी DGP पुलिस को एक मेल भी लिखा है, FIR करने के लिए लिखा है, साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को मैं चिट्ठी भेज रही हूँ, इस देश की राष्ट्रपति माननीय मुर्मू जी को चिट्ठी भेज रही हूँ कि इस तरीके के महिला अपराध किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं। और मैं माननीय अखिलेश यादव जी जो कभी हमारे नेता थे और जिनका मैं सम्मान करती हूँ, मैं उनसे भी अपील करना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी में इस तरीके के लोगों को संरक्षण देकर समाज में वो कैसे लोहिया जी के समाजवाद जो महिलाओं की आधी हिस्सेदारी की बात किया करते थे उसको लाएंगे, और अगर उनका इस पर स्पष्ट स्टैंड है तो ऐसे व्यक्ति को वो निकाल कर बाहर फेंकने का काम करें समाजवादी पार्टी से। और साथ ही साथ FIR कराने की मांग वो जब करते हैं, वो मणिपुर हिंसा की बात करते हैं, लेकिन अपने बगल में जब एक महिला के ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की बात हो रही होती है तो क्या वो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? इसका जवाब माननीय अखिलेश यादव जी को देना चाहिए। देखिए, बहुत दुखद है कि एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिलाओं के लिए तमाम तरीके की शब्दावलियाँ जो सभ्य समाज में आज के दौर में उपयुक्त नहीं है उसके बदले नई शब्दावलियों को ईजाद करने की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ वो इस बात को भी लगातार कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जिन लोगों के द्वारा द्वेष फैलाया जा रहा है उनके ऊपर पुलिस को स्वतः कॉग्निजेंस लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। तो अब ये देखना है कि उसी दिन ठीक मेरे ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणियाँ किया जाना मनीष जगन अग्रवाल के द्वारा, जो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, सोशल मीडिया हैंडलर है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।